मालटा के लिए रवाना हुई कटरीना कैफ जल्द ही शुरू करेंगे सलमान खान की फिल्म भारत की शूटिंग। हाल ही में सलमान खान अपनी नई फिल्म भारत की शूटिंग करने के लिए माल्टा पहुंचे हैं। बता दें कि इस समय सलमान खान बिग बॉस की प्रोमो की शूटिंग करने के बाद ही माल्टा के लिए रवाना हुए हैं। इस समय सलमान खान माल्टा में अपनी मां सलमान खान अलवीरा और उनके पति के साथ है और बहुत जल्द कटरीना कैफ भी इन लोगों को ज्वाइन करने वाली है। वेल दोस्तों बता दी कि पहले इस फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट प्रियंका चोपड़ा नजर आने वाली थी, लेकिन बहुत जल्द ही वो अपने बॉयफ्रेंड निक जोनस के साथ शादी करने वाली है, इसलिए उन्होंने इस फिल्म से किनारा कर लिया। अब फिल्म में उनकी जगह कटरीना कैफ नजर आने वाली है और कुछ घंटे पहले ही कटरीना माल्टा के लिए रवाना हुई है। वह कटरीना ने माल्टा जाते हुए अपनी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर साझा है। इस तस्वीर को देखिए आप समझ ही सकते हैं कि कटरीना कैफ फिल्म भारत के लिए कितने एक्साइटेड है। फिल्म बात की जाए सलमान खान और कटरीना कैफ की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री की, तो इसे हम कई फिल्मों में देख ही चुके हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि ऑफ स्क्रीन भी सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री का कोई जवाब ही नहीं है, और ये एकमात्र वजह है कि फैंस भी इनको बार बार देखना काफी पसंद करते हैं। फिर अगले पाल सफर की आखिरी फिल्म टाइगर जिंदा है में कटरीना और सलमान खान नजर आए थे और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। सलमान और कटरीना एक ही फिल्म में रहने का मतलब है कि फिल्म तो हिट ही होनी है, साथ ही उनकी फिल्म कई रिकॉर्ड्स भी तोड़ सकती है। हाल ही में जब कटरीना से पूछा गया कि प्रियंका की जगह उन्हें लिया गया है तो इस पर उनका क्या कहना है, तो इस पर कटरीना ने दिलचस्प जवाब दिया। कटरीना ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं इसे इस तरह से नहीं देखती हूँ। आलिया पासफा मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, हम मेरे ब्रदर की दुल्हनिया और टाइगर जिंदा है में काम कर चुके हैं और दोनों ही फिल्में सफल रही हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दोनों ही फिल्मों में काम करते मुझे काफी अच्छा अनुभव मिला है। मैं जिस भी रोल का चुनाव करती हूँ वो स्क्रिप्ट की वजह से करती हूँ। मैं दोबारा उस टीम के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आपको बता दें कि सलमान खान और कटरीना कैफ की फिल्म भारत को आलिया पासफा डायरेक्ट कर रहे हैं और ये फिल्म 2019 के ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर क्या है आपकी राय, ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।